Hello student, today we will learn English revision. Choose the right words. Question दिया है उसके लिए दो options दिए हैं, option से जो right है उसको choose करना है, right करना है. Okay? दिया चिंटा चिंटू, चिंटा चिंटू इज ए टेमरिंड डेस ट्री ए लीफ. चिंटा चिंटू टेमरिंड ट्री होगा, ट्री में राइट करना है. चिंटा चिंटू एक टेमरिंड ट्री है, इसलिए ट्री में राइट करना, ट्री इसमें लिखना भी. दिस फेमस ट्री इज इन डेस, फेमस ट्री डेश में कहाँ पे, गुंटूर या ग्वालियर, गुंटूर में है या ग्वालियर, ग्वालियर है, ग्वालियर राइट करना, ग्वालियर में लिखना है. तानसेन वाच ए फेमस डेश, तानसेन एक फेमस क्या है, सिंगर है या डांसर है, सिंगर है. तानसेन एक फेमस सिंगर थे, इसलिए सिंगर में राइट करिए, यहाँ पर लिखना है. द टेमरिंड ट्री ग्रोस ओवर टांसेंस, द टेमरिंड ट्री ग्रोस बड़ा है, ओवर टांसेंस क्या है, हाउस या टॉम, टांसेंस टॉम है, टॉम में राइट करना. नेक्स्ट ईट द लीव्स ऑफ द टेमरिंड ट्री and you will also sing like अकबर या टेंशन है, टेंशन, टेंशन में राइट करना है और उसको लिखना. ओके, नेक्स्ट what did the library door say, क्वेश्चन आंसर देखो थोड़ा. What did the library door say? Library door क्या कहता था, क्या कहता था ना, आंसर come in said the library door. Library door come in मतलब अंदर आओ ऐसा बोलता था. Okay, next what did the books in the library look like? What did the book in the library look like? Library का जो book था वो देखने में कैसे लगता था ना. The books in the library look like tall, skinny and little fat. कुछ book बड़े था, लंबा था, पतला था, कुछ छोटा था और कुछ मोटा था, ऐसा लगता था. क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर, आंसर में बिकॉज द पिक्चर्स बुक टोल्ड स्टोरी. सब क्वेश्चन पूछा था जे पोएम में बच्चों ने पिक्चर वाला बुक क्यों पसंद करते थे ना, क्योंकि आंसर में पिक्चर बुक टोल्ड द स्टोरी, पिक्चर को देखने से एक स्टोरी याद आता था, एक स्टोरी समझाता था, इसलिए वो उसको पसंद करते थे. नेक्स्ट देखो व्हाट वर्ड साइन हैव यू सीन और हैड एट होम, होम में अगर जाते हैं तो उसमें क्या बोलता है वो, वेलकम, वेलकम बोलता है, इसलिए वही लिखना है, वेलकम वेलकम. एट ए वेजिटेबल शॉप, जब वेजिटेबल में शॉप जाओगे वहाँ पे क्या सुनने मिलता है, तो हमारे सब सामने लिखे है प्लीज डू नॉट बार्गिन, बोलते हैं बार्गिन मत करो हाँ दुकान में. एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी रूम में क्या होता है, कीप साइलेंस,
लाइब्रेरी में जो भी जाता है उसको साइलेंस रहने के लिए बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को पढ़ाई करते थे बैठ के। एट द डोर्स प्लेस, एट द डॉक्टर्स प्लेस, डॉक्टर का जगह में क्या बोलते हैं, स्टे हेल्दी, हेल्दी मतलब अच्छा रहो, सुस्त रहो, स्वस्थ रहो, ओके। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप में जाते हुए क्या करते हैं, प्लीज स्टैंड इन लाइन, बस स्टॉप पर बोलेंगे प्लीज लाइन से आ जाओ, हाँ लाइन से खड़े रहो। एट द टॉय शॉप, टॉय शॉप में क्या है, कम लेट्स प्ले, आओ खेलो, ऐसे। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक। वन नंबर, एन डैश इज ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड, ऐसा एक जगह जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करता है और अप भी करता है, वो कौन सा है जगह है, एयरपोर्ट। एरोप्लेन जहाँ पे लैंड करता है, अप करता है, वो एयरपोर्ट ही होगा, दूसरा जगह में नहीं होगा, फिर एयरपोर्ट लिखना, ओके। नेक्स्ट, एक डैश इज द प्लेस वेयर फूड इज कुकड़, फूड मीन्स खाना कहाँ पे बना जाता है, किचन रूम में बना जाता है खाना, तो उसको किचन लिखना है, किचन इज ए प्लेस वेयर फूड इज कुकड। नेक्स्ट नंबर थ्री, ए डैश इज ए प्लेस वेयर सिक पीपुल आर टेकन केयर ऑफ, ऐसा एक जगह जहाँ पे सिक पीपुल बीमार लोग, वहाँ पे बीमार लोगों को जत्न लिया जाता है, केयर किया जाता है, कौन सा जगह है वो, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे जो बीमारी लोगों को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट, ए डैश इज ए प्लेस वेयर यू कैन बॉय थिंग्स, एक जगह है जहाँ पे आपने बहुत सब चीज़ खरीद सकते हैं, वो कौन सा जगह होता है, मार्केट होता है, मार्केटिंग खरीदते हैं। ए डैश इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, ऐसा एक जगह जहाँ पे बच्चे सब पढ़ाई करते हैं, होता है स्कूल, स्कूल में पढ़ाई करते बच्चे, ओके। हाँ तो स्टूडेंट, ये सब बहुत रिवीजन था, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसको अच्छे तरह से लर्न करो और आप नोटबुक में एक बार लिखो, ओके। फिर नेक्स्ट वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।